बाबा महाकालेश्वर का दरबार विश्व प्रसिद्ध है। न जाने हर रोज कितने ही लोग अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर दर्शन के लिए आते हैं और कई बार उन लोगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी आते हैं। कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिला बुधवार को, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह अक्सर बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहते हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने पारंपरिक धोती और शोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया और यहां बाबा महाकाल का जल और दूध से अभिषेक कर आरती की। पूजन अर्चन के बाद वह नंदी हॉल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ने महाकाल मंदिर को अलौकिक शक्ति बताते हुए कहा कि वे भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और महाकाल के दर्शन के लिए हमेशा यहां आते रहते हैं। मैं तो महाकाल के दर्शन लेके वर्षों से आता हूं और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और यहाँ आने के बाद एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है और उसी ऊर्जा की अनुभूति के लिए मैं आया हूँ। और अभी तो यहाँ बहुत सुंदर काम भी हो रहा है, कोरोना का काम बहुत सुंदर हुआ है। पिछले समय जब मैं आया था तो उद्घाटन होना था, अभी तो उसका उद्घाटन भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का सारा चेहरा चित्र सारा बदला हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर आज मैंने सभी के कल्याण की कामना की है।